वेलकम अगेन टू माय चैनल जी सर्स क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर आपका है। ओके वैसे बेटा, हम ये जो 8th क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का, कोड देख लीजिए बेटा 43013 है। ये बेसिक का आपको क्वेश्चन पेपर है। ओके तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, बात करते हैं। ओके देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपको गिवन है कि बेटा रूट थ्री टेन थीटा अगर वन है तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले बेटा आप इसको ले सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन में रूट थ्री, और वन अपॉन में रूट थ्री किस एंगल पे होती है बेटा थीटा की वैल्यू, जब थीटा हमारा होता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसमें बात करते, क्वेश्चन नंबर जो टू हमारा है इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने, 1728 के निकालना है हमें प्राइम फैक्टर्स। ओके तो बेसिकली बेटा आपको पता होना चाहिए 717 जो 28 होता है ना, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं बेसिकली बेटा ये ना 12 का क्यूब होता है, ठीक है। और 12 को ले सकते हैं बेटा हम किस तरीके से, 3 into 4 ये भी होगा 3 into 4 ले सकते हैं हम इसको। तो इसका मतलब देखा जाए बेटा 3 की पावर तो यहाँ पर कितनी होगी बेटा, 1 2 3 होगी, ठीक है। और यहाँ पर 2 जो बेटा 4 जो है 4 को हम ले सकते हैं 2 into 2 ले सकते हैं, 2 into 2 की पावर कितनी होगा 6 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो हमारा ऑप्शन 2 की पावर 6, 3 की पावर जो 3 हमारा है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आप इसको ना बेटा इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में निकाल देते हैं। अब जैसे बेटा क्वेश्चन जो 3 हमें गिवन है, देखो 3 में क्या होगा, एपी का क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, एन आपको पता है, एन भी आपको दे रखा है, तो आपको ए निकालना, तो आपको फॉर्मूला पता है बेटा एन इक्वल्स टू क्या होता है आपका, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ए एन आपको दे रखा है कितना बेटा, 4 गिवन है, ए हमें निकालना है, एन कितना है बच्चे आपके पास, 7 है, 7 - 1 कितना 6 होता है, डी कितना माइनस का 4 है, 6 4 = 24 होता है, 24 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा आपका 28। देखो ऑप्शन डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया क्या है, इन द गिवन अबव फिगर द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, कि दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर होंगे एबीसी और पीक्यूआर किस क्राइटेरिया पे बेस्ड होंगे। देखो आपको पता है बेटा ये वाली जो साइड हमारी एबी अपॉन में जो पीक्यू है इनका रेशियो आ रहा है बेटा 1/2, ठीक है। बीसी अपॉन में क्यूआर का रेशियो भी कितना है बेटा, 1/2 आ रहा है, और बीच वाला एंगल आपका ये भी आपस में क्या इक्वल है, तो ये बन गया आपका साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया दोनों के होंगे सिमिलर होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, आपको क्या बोला गया बेटा, कोन की वॉल्यूम निकालनी है जिसकी रेडियस हमें आर गिवन और हाइट इतनी गिवन है। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू मैच होता है, तो ये अगर बेटा 1/3 तो रहेगा पाई भी रहेगा, आर कितना बेटा, आर तो आर ही है, एच आपका कितना 3r है, इससे बेटा 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा बेटा आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, लेट्स गुड। ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोला है इसमें, इसमें इस फिगर में बोला गया बीसी और बीडी के टेंजेंट है, तो ये दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सेंटर हमें ओ दे रखा है, रेडियस देखिए बेटा 9 सेंटीमीटर, ओ भी हमें गिवन है कितना, 15 सेंटीमीटर हमें गिवन है, हमें निकालना है बीसी प्लस बीडी, बीसी प्लस बीडी, तो बेटा देखो बीसी जितना होगा उतना बीडी भी होगा। एक काम करो, आपको पता है बेटा टेंजेंट क्या होता है, हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब यहां पर लगाएंगे आप क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बेटा, ठीक है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां से आपको पता है बेटा ये तो हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो यहां से जो बेटा बीसी का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। ओ भी कितने बेटा 15, 15 का स्क्वायर 225, ओ सी कितने बेटा 9, 9 का स्क्वायर होता है बेटा कितना 81, माइनस करो कितना आएगा 144 आ रहा है, तो उसका मतलब बी सी हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 12 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। अगर बी सी 12 होगा ये भी बी डी भी 12 होगा, तो 12 + 12 कितना होता है 24 सेंटीमीटर, वेरी सिंपल, ऑप्शन सी डन, ओके लेट्स गो। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन बेटा 7th चैप्टर में से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, x2 में से x1 को माइनस कर उसका स्क्वायर करो, y2 में से y1 को माइनस उसका स्क्वायर करो, सीधा आंसर आएगा बेटा इसका 3 का स्क्वायर
प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा अंडर रूट में 18 हो जाएगा, ठीक है, जो कि कितना होता है बेटा 3√2 यूनिट्स के बराबर होता है। चेक कर लो बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा है, 8 क्वेश्चन को देखो बेटा ध्यान से, क्या बोला गया, एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ 500 मीटर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इतने मीटर फ्रॉम द बेस। कह रहा है कि अगर एक पोल के बेस से अगर हम इतने डिस्टेंस पर जाते हैं तो वहां से बेटा कितने डिग्री का एंगल बनता है इसके पोल का, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना। तो बेटा आपको पता होना चाहिए टेन थीटा जो आप पढ़ते थे, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी कि 100 अपॉन में कितना, 100√3, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। अब आप सोचो बेटा कितने एंगल पे ये वैल्यू आता है, 30 डिग्री पे आता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ये कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है बेटा, तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें जो एक एंगल आपका है वो क्या है अपने सप्लीमेंट्री से 18 ज्यादा है, तो यानी कि अगर वो वाई हमारा है दूसरा एंगल, तो वाई से कितना ज्यादा बेटा, 18 डिग्री ज्यादा है, यानी कि एक्स माइनस वाई कितना हो गया बेटा, 18 डिग्री हो गया। ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है, दोनों को ऐड करो तो आंसर आ जाएगा आपका बेटा, जब दोनों को ऐड करो 2x हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 198 डिग्री, तो उसका मतलब एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी रहेगी बेटा, 99 डिग्री रह जाएगा, तो लार्जर एंगल हो जाएगा हमारे पास 99 डिग्री का, ठीक है, क्लियर, दैट्स गुड। अब दूसरा हो जाएगा हमारे पास 81 डिग्री का। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालना है क्वेश्चन नंबर 10 में हमें स्क्वाड्रिक इक्वेशन का। डिस्क्रिमिनेंट आप सभी को पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 a * c होता है, तो बी कितना बेटा, माइनस का 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे आप, और माइनस में क्योंकि 4 * में a की जगह पे आएगा 2, c की जगह पे कितना आएगा, माइनस का 3। 25, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = कितना होता है बेटा, 24, तो 49 आ रहा है बेटा इसका आंसर। देखो चेक करो, 10th का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा क्वेश्चन जो 11 हमारा, इसमें बोला गया बेटा पैरामीटर निकालना है ट्रायंगल एबीसी का। आपको एक चीज ध्यान रखनी बेटा कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, तो अगर ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा, अगर ये 6 तो बेटा ये भी 6 हो जाएगा, तो करना क्या, सबको ऐड कर दो, सिंपल सी बात, ये हो जाएगा बेटा 5 + 5 यानी कि हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बेटा आपका, ये हो जाएगा 6 + 6 = 12, ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 8, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 30 सेंटीमीटर इज द आंसर। चेक करो, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ना, बस जस्ट आपने ऐड कर देना, बस कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी बेटा, थ्योरम्स आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, इस फिगर में बेटा बोला गया ए बी लाइन जो हमारी है वो क्या है, इसके पैरेलल है डीसी के, ये सीडी के पैरेलल है। ए बी हमें पता है 5 सेंटीमीटर, सी डी हमें देगा 2 सेंटीमीटर, ओ बी हमें गिवन 3 सेंटीमीटर, हमें ओ सी निकालना है। तो बात सुनो बेटा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो उसका मतलब ये वाला एरो ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया, ये वाला एंगल आपस में इक्वल वर्टिकल अपोज एंगल्स, और ये वाला एंगल इसके बराबर अल्टरनेट डेट एंगल्स, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ सी, तो इसका मतलब इनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। बट तो ओ ए और ओ डी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहां से लिखेंगे ए बी अपॉन में डी सी, ये किसके बराबर होगा बेटा, ओ बी अपॉन में ओ सी के बराबर होगा। ए बी कितना है 5, सी डी कितना है 2, ओ बी हमें 3 दे रखा है, ओ सी हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा क्या होगा, ओ सी इक्वल टू 6/5 हो जाएगा, यानी कि 6/5 cm ज्यादा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो बेटा जैसे कि हमारे पास ना क्वेश्चन 13 में गिवन क्या है, ग्राफ गिवन है y = fx as shown the figure फॉर द सम पॉलिनोमियल पी एफ एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, आपको पता होना चाहिए जितने एक्स पॉइंट पर कट करेगा उतने ही जीरोस होंगे, 2, 3, 4, 5, तो 5 जीरोस इज द आंसर, डन, ठीक है, दैट्स गुड। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ओके
क्वेश्चन नंबर 14, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आपको बेटा इन जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस को सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो सम तो बेटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी ऊपर में ए के बराबर। बी कितना माइनस का 5, तो ये होगा प्लस 5 ऊपर में 3 हो जाएगा। प्रोडक्ट होता है सी अपॉन में ए के बराबर। सी कितना बेटा 2 है और ए कितना 3 है। अब चेक कर लो बेटा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ए ऑप्शन सही आ रहा है शायद, है ना। ठीक है ओके। अगर मैं एक डाई को बेटा एक बार थ्रो करता हूँ तो आपको पता है क्या क्या नंबर आते हैं बेटा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आपका आउटकम्स आएंगे। आपको ओड प्राइम नंबर चाहिए, ओड प्राइम नंबर्स। तो ओड प्राइम नंबर्स में बेटा आपका एक तो 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। कितने में से दो नंबर्स आउट ऑफ 6, ये होगा 1/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें बेटा, अगर दो ट्राइंगल्स हमें बेटा क्या दे रखे हैं, हाँ दो सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो में ऑलरेडी गिवन है, तो उनके बेटा पैरामीटर का रेशियो कितना होगा। मैंने अभी पहले बताया था बेटा लास्ट वीडियो में कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो, उनके पैरामीटर का रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ये भी कितना रहेगा बेटा, 4/7 ही रहेगा। अब जिस बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल जिनकी डायमीटर कितनी 7 सेंटीमीटर। तो बात सुनो बेटा, अगर दो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है बेटा वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे ही लाई करेंगे। तो इसीलिए इसका डिस्टेंस कितना होगा बेटा, डायमीटर के बराबर होगा ना 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सपोर्टेड 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। आपको बेटा रेड कार्ड चाहिए, तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं बेटा टोटल, आपके पास 26 रेड कार्ड होते हैं। 13 तो होते हैं बेटा किसके, डायमंड के, और 13 होते हैं किसके, हार्ट के। ओके तो 26 में से कोई भी कार्ड आ सकता है, तो 26/52 यानी कि 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड कार्ड। ओके डन। अब बात करते हैं बेटा एसोसिएशन क्वेश्चंस की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, पहले बात करते हैं। देखो इसमें स्टेटमेंट गिवन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y - 4 = 0 और दूसरी हमें ये गिवन है, लेकिन इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलते। ओके तो इसका मतलब ये होना चाहिए a1/a2 और b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा। चेक करें, 3/15 कितना होगा, 1/5 होगा, बिल्कुल ठीक है। 5/25 ये भी 1/5 होगा, लेकिन -4/25 जो है वो 1/5 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ओके द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये और दूसरी हमें ये गिवन है, ये इनकंसिस्टेंट कब होंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये भी ट्रू है बिल्कुल, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 20, एसर्जन क्या बोला बेटा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर ही होता है एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना बेटा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो करेक्ट होगा। ओके तो आई होप बेटा आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स।